तो देखिए दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि रिजल्ट है, कई लोगों का चयन हो चुका है। जिनका चयन हो चुका है उन सबके लिए बधाई हो। और कट ऑफ देखिए यहाँ पर कितनी कम गई हुई है, पहले ज़्यादा थी और अब यहाँ पर कम हो चुकी है। और ये आपकी थर्ड वेटिंग लिस्ट है, तो तीसरी वेटिंग लिस्ट है, तो तीसरी वेटिंग लिस्ट में काफ़ी कम यहाँ पर कट ऑफ गई है, जिसमें आप लोग यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये आपका यहाँ पर पुलिस आरक्षी में जो PSC और यहाँ पर IRB की निकल के आ रही थी और फायरमैन की जो निकल के आ रखी थी, उन सभी में महिला पुरुष अभ्यर्थियों की यहाँ पर जो है, जो महिला अभ्यर्थी था उनकी कट ऑफ चेंज जारी हो चुकी है। नया थर्ड वेटिंग लिस्ट आ चुकी है, जिसमें अनारक्षित का 162 गया हुआ है, उसके उससे पहले यहाँ 164 गया हुआ था। काफ़ी कम नंबर यहाँ पर कट ऑफ गई हुई है, 2 नंबर का अंतर आ रखा है। अनुसूचित जाति का देखते हैं 153 की समथिंग, अनुसूचित जनजाति का 158 की समथिंग, ये भी लगभग 2 से 3 नंबर का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा हर एक कैटेगरी में। OBC का 158 के करीबन और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 157 के करीबन है। इन सभी का रिजल्ट आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। टोटल अगर बात करो तो लगभग 125 के करीबन अभ्यर्थियों का यहाँ पर जो है चयन हो चुका है। तो सभी को बधाई हो जिसका भी यहाँ पर चयन हो चुका है। और इसके लिए आपको सत्यापन करने के लिए इनके अभिलेख सत्यापन आपका यहाँ पर होना है। आप लोग यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपका अभिलेख सत्यापन होना है 8 मई को। तो 8 मई का यहाँ पर जो है तारीख जारी करी है। और आपको यहाँ पर जो भी आपका पूर्ण रूप से आवेदन भरा गया ऑनलाइन था, उसी के दावे के हिसाब से अपने मूल दस्तावेज आपको जमा करने हैं, मतलब दिखाने हैं। और 9:30 बजे से आपको कार्यालय में उपस्थित हो जाना है, यानी कि आपका जो UKPSC का जो ऑफिशियल यहाँ पर जो है एड्रेस, इनकी हरिद्वार में लोक सेवा के ऑफिस में, वहाँ पर आपको यहाँ पर प्रस्तुत होना है। और बाकी जो चेकलिस्ट है सब कुछ आपको ये वेबसाइट में देखने को मिल जाएगा, वहाँ से आप चेक कर लेना। और ये रिजल्ट है आपके सामने, ये आप अपना चेक कर सकते हैं कितना कितना आपके कट ऑफ।